पश्चिम बंगाल में दुर्घटना की शिकार हुई गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, मौके पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बीते 24 घंटों में कोरोना से छत्तीसगढ़ के 7 लोगों की मौत, 6015 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। प्रदेश में आज भी हो रही है बरसात, ठंड बढ़ी, फसलों पर पड़ेगा असर। और पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति और पोंगल का पर्व। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी कल शाम पश्चिम बंगाल में न्यू डोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा कर लिया गया है। 290 फंसे हुए यात्रियों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी कल रात लगभग 10 बजे दुर्घटना स्थल से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। यात्रियों को रात का खाना रेलवे की ओर दिया गया। दुर्घटना के उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वैष्णव से कल शाम बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी और महानिदेशक सुरक्षा आज सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है, और जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ, और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर में मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। कल प्रदेश भर में 7 मरीजों की मौत हो गई। तीसरी लहर के दौरान ये पहली बार हुआ है जब एक दिन में इतनी मौत दर्ज हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में 63,221 सैंपल कलेक्ट हुए। इस दौरान 6015 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा 2020 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन पहले यहां से 1700 से ज्यादा मरीज मिले थे। प्रदेश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इधर कल देश भर में 2,64,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 12,72,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 69,90,00,000 से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,753 मामले सामने आए हैं। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 155,39,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को कोरोना के टीके का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। यहां पहुंचकर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने बूस्टर डोज लगवाया है। राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तीसरे दौर में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना काफी जरूरी है। ये बूस्टर डोज कोरोना के घातक होने से हमारा बचाव करेगा।
आज एसपी सर के मार्गदर्शन में यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम राजनांदगांव में सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर है जो हमेशा सबसे आगे रहती है, तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए है, सभी ऑफिसर्स के लिए है। कल तक प्रदेश भर में 86,837 लोगों को कोरोना रोधी टीके का बूस्टर डोज लगाया जा चुका था। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी के बाद से हो रही बरसात अब भी जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, वहीं कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली जैसे जिलों में हल्की बरसात की खबर है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवाओं का आगमन लगातार जारी है, इसकी वजह से कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कल से वृद्धि संभावित है, साथ ही न्यूनतम तापमान में उत्तर छत्तीसगढ़ से उसके अगले दिन से गिरावट संभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिकतम तापमानों में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है, जबकि शेष भागों में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बेमौसम वर्षा की वजह से दुर्ग जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में पानी जमा हो गया है, ऐसे में धान की खरीदी का काम रुक गया है। दुर्ग जिला कलेक्टर SN भूरे ने जिले के सेलूद स्थित धान खरीदी केंद्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और खरीदी केंद्र में रखे धान के सुरक्षित संग्रहण के लिए समिति प्रबंधक को निर्देश दिए। कलेक्टर SN भूरे ने बताया कि जिले में करीब 30 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और मौसम साफ होने पर वापस से धान की खरीदी चालू की जाएगी, साथ ही धान के परिवहन में भी तेजी लाई जाएगी। में खरीदी हुआ है और 13 लाख क्विंटल परिवहन और मिलर्स द्वारा मिला के उठाया गया है, तो अभी भी सोसाइटियों में लगभग 17 लाख क्विंटल धान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम है और जिसकी वजह से खरीदी की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, उठाव की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। इसमें कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलर्स के गाड़ियां लगाकर उठाना है, परंतु थोड़ा मौसम जैसे खुल जाता है तो हम लोग इस कार्य में गति देंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिन खरीदी केंद्रों में धान भीगने की शिकायत मिली है वहां के समिति प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। इसके लिए इसी महीने की 20 तारीख को मतदान होना है। त्रिस्तरीय पंचायत आम और उपचुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733 और 152 सरपंच पदों के लिए 455 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह जनपद पंचायत सदस्य के 27 पदों के लिए 88 और जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए 12 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मतदान के लिए 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में COVID-19 गाइडलाइंस के पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दलों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा के सभी उपाय जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स आदि अपनाना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट जरूर डालें, लेकिन COVID-19 से सुरक्षा के उपाय भी अपनाएं। प्रदेश में आज मकर संक्रांति और पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति, माघ बिहू, भोगी और पोंगल पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति पूजा से जुड़े ये त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां लाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में मनाए जाने वाले ये पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता को गौरवान्वित करते हैं।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने संदेश में कहा कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाने वाले संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू जैसे पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता को दिखाते हैं और हमें एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत में सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर रेखा की ओर जाने का स्वागत उमंग और उत्साह के साथ किया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे मकर संक्रांति और पोंगल पर्व के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति का ये त्यौहार ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर आता है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की है। दुर्ग की शिवनाथ नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने सूर्य की उपासना कर करने के बाद काला तेल, चावल, वस्त्र, अन्न और दूसरी वस्तुओं का दान किया। आचार्य पंडित संदीप तिवारी ने बताया कि संक्रांति के दिन स्नान और दान के साथ खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। हमारे ऊपर पड़ने वाले सभी जो रोग हैं, द्वेष हैं, वो सब दूर होते हैं और अनेक प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे सनातन धर्म मनाया जाता है। भिलाई में मकर संक्रांति पर्व पर अय्यप्पा सेवा संघम भिलाई द्वारा 41 दिनों से व्रत कर रहे श्रद्धालु अपने सिर पर पोटली झरी मुड़ी रखकर मंदिर शोभा यात्रा निकाली गई और मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों से चढ़कर भगवान अय्यप्पा के दर्शन किए गए। अय्यप्पा सेवा संघम के महासचिव सुरेश कुमार ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से इस बार ये उत्सव बेहद सावधानी से मनाया जा रहा है। धारण किए हुए 50 भक्तगण भगवान के 18 पवित्र सीढ़ी आज चढ़े। हर प्रतिवर्ष हम सेक्टर 5 गणेश मंदिर से ये शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालते हैं। संक्रांति पर बाजारों में तेल, गुड़ की पापड़ी, लड्डू, रेवड़ी, गजक की खूब खरीदारी हुई। ऐसी मान्यता है कि काला तेल और गुड़ दान करने या कुत्ते और गाय को खिलाने से गृह दशा सुधरती है। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जन नायकों से नई पीढ़ी को परिचित कराते हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी के बारे में। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी माँ धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। 1977 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार, वन पर अधिकार, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पश्चिम बंगाल में दुर्घटना की शिकार हुई गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, मौके पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बीते 24 घंटों में कोरोना से छत्तीसगढ़ के 7 लोगों की मौत, 6015 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि।
प्रदेश में आज भी हो रही है बरसात, ठंड बढ़ी, फसलों पर पड़ेगा असर। और पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति और पोंगल का पर्व। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।